बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव की राजनीतिक सरगर्मी के बीच राज्य के चुनाव आयोग ने भी अपनी बेल्ट कसनी शुरू कर दी है। चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन ने तैयारी शुरू कर दी है। बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी HR श्रीनिवासन ने बताया कि विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग तैयारियों में जुट गया है। कोरोना को लेकर चुनाव की तैयारियों में थोड़ा विलम्ब जरूर हुआ है, लेकिन आयोग अब तेजी से काम कर रहा है। HR श्रीनिवासन ने बताया कि बाहर से प्रवासी मजदूरों का नाम एक विशेष अभियान चलाकर वोटर लिस्ट में जोड़ा जाएगा। इसके लिए सभी निर्वाचन पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है। राज्य के जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को अन्य आवश्यक निर्देश भी दिए गए हैं। देखिए, अभी निर्वाचन के लिए हम लोगों के पास अभी भी लगभग 4.5 महीने समय है। अगर 2015 में जो हुआ था उसको लोग ध्यान में रखेंगे तो ये सारे, इसलिए मैं पहले ही बोल दिया, जो प्रोटोकॉल्स है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स का कोविड रोकथाम के संबंध में, वो सब का अनुपालन निश्चित रूप से किया जाएगा। अब इस संबंध में सब लोग वाकिफ हैं, इसमें व्यापक चर्चा की जा रही है और कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है, कैसे सेफ इलेक्शन कराना है, इस दिशा में हम लोग अग्रतर कार्रवाई कर रहा है। ये जो डिजिटल युग का प्रारंभ हुआ है, डिजिटल तरीके से रैलियां भी हो रही हैं, डिजिटल तरीके से बहुत सारा चीज़ जो है वो लोगों से कॉन्टैक्ट करने का जरिया जो है, रैली जो है वो सब बंद के लगभग हो जाएगा या बहुत कम होंगे। तो ऐसे में जो इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग कैसे उन पार्टियों पर नज़र रखेगा, किस तरीके से उनको देखेगा कि कौन पार्टी कितना खर्च कर रही है, किस मायने में, किस रूप में, इसके लिए क्या आपके पास स्पेशल प्लानिंग है? देखिए, पूर्व में भी हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जिसमें सोशल मीडिया भी है, प्रिंट मीडिया हो, उसमें जो भी एडवर्टाइजमेंट्स होता है, ये सब में तो हम लोगों का कंट्रोल रहता ही था। ऐसा नहीं है कि हम लोगों का बाहर की चीज़ है। इनफैक्ट और आसान हो जाएगा हम लोगों को ये पता करने के लिए कि कौन कौन पार्टी कितना कितना पैसा खर्च कर रहा है, इस तरह से या पार्टी हो या कैंडिडेट हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का माध्यम से या प्रिंट मीडिया का माध्यम से अगर प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो हम लोग का और आसान होगा ये सबको कैलकुलेशन करने में। जरूर हम लोग, क्योंकि 6 महीना हम लोग का इलेक्शन पीरियड माना जाता है और हम लोग तैयारियाँ शुरू कर चुके हैं। जिस तैयारी में अगर चुनाव समय पर होता है तो आपकी कितनी पुख्ता तैयारी है, क्या जानकारी आप देंगे जिससे कि लोगों को ये लगे कि चुनाव आयोग पूरी तरह से तैयार? देखिए, तैयारियाँ तो हम लोग का कभी ख़त्म नहीं होता है। जैसे हम लोग का स्पेशल समरी रिवीजन का फाइनल पब्लिकेशन 7 फरवरी को हुआ, उसके बाद हम लोग का कंटिन्यूस अपडेशन आज भी चल रहा है। अब रह गई बात कि हम लोग जो फॉर्म्स इस बीच में आए हैं, एडिशन, डिलीशन, मॉडिफिकेशन, ये सब का डिस्पोजल, ये सब के बारे में ही जो जिला पदाधिकारी लोगों के साथ जो वार्ता हुई उसमें बोला गया है कि जो फॉर्म्स पेंडिंग है उसको आप त्वरित गति से निष्पादन कर दीजिए, ताकि हम लोग इलेक्शन के पहले जो समर रिविजन होता है तो उसके लिए भी हम लोग रेडी रहे। ये एक पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट है हम लोग के पास, हम लोग को 3 स्टेट से EVM और VVPAT प्राप्त करना है, उसके लिए भी तैयारी हम लोग को शुरू हो गया है। हमारे पास पर्याप्त वेयरहाउस भी है, सिर्फ हम लोग को एक कोरोना के चलते लॉजिस्टिक प्रॉब्लम हो रहा था मूवमेंट इन द स्टेट मूवमेंट्स का, लेकिन वो भी सॉर्ट आउट हो गया है बहुत हद तक। तो हम लोग का मशीन आ जाएगा, उसके बाद हम लोग फर्स्ट लेवल चेकिंग शुरू कर देंगे। ये सेकंड पॉइंट। तीसरा पॉइंट है हम लोग का ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो हम लोग इमीडिएट नहीं लेकिन हम लोग करेंगे, उसके लिए हम लोग मल्टीमीडिया ये सारी चीज़ हम लोग ऑलरेडी इन हाउस डेवलप कर रहे हैं। इसी तरह से हम लोग का, हमारा जो मतदाता है उन लोगों को ट्रेनिंग करने के लिए भी हम लोग उत्तर इंतजाम कर रहे हैं। हमारी का रोकथाम के लिए जो भी SOP इशू किया है वो सबको फॉलो करना है हम लोग, तो उसके लिए भी रेडी रहने के लिए हम लोग तैयारी शुरू कर दी है। कोरोना काल में आपको लगता है कि जो तैयारी होनी चाहिए थी उस पर कहीं ना कहीं कमी आई है और जो गति थी चुनावी वर्ष में वो नहीं पूरा हो पाया है, तो उसको कैसे आप पूरा करें? देखिए, चैलेंजेस तो है ही, इसलिए हम सब लोग बैठे हैं और हम, मुझे पूरा उम्मीद है क्योंकि हम लोग को अभी भी 4 महीने हम लोग का हाथ में है, तो इस 4 महीने में हम लोग हासिल कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। अभी जिला पदाधिकारियों के साथ जो बात मैंने किया वो लोग भी कॉन्फिडेंट है कि हम लोग उस समय में इलेक्शन का
यदि भारत निर्वाचन आयोग निर्वाचन का घोषणा करती है उसके पहले हम लोग ये सारे इंतजाम पुख्ता इंतजाम कर देंगे। बिहार में जो बाहर रह रहे थे दूसरे राज्यों में उनकी संख्या काफ़ी तादाद बढ़ी है, जो बाहर दूसरे राज्यों में भी वोटर थे लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि वो हो सकता है कि यही रह जाए, बड़ी संख्या उनकी यहाँ पर हो सकती है, तो उनको कैसे आप मतदाता के सूची में लाएंगे? देखिए इसलिए मैं बता रहा था आपको कि हम लोग जो स्पेशल समरी रिविजन करेंगे इलेक्शन का पूर्व में, वो उसमें हम लोग जरूर ये देखेंगे कि वो लोग अपनी नेटिव प्लेस में इलेक्ट्रोल रोल में ऑलरेडी है या नहीं, यदि नहीं है उन लोगों को जरूर जुड़वाएंगे यदि 18 साल के ऊपर का है और इधर का बासिंदा है। क्या इसके लिए कोई स्पेशल ड्राइव करवाएंगे आप? निश्चित रूप से इलेक्शन कमीशन का जैसे जैसे गाइडलाइन आएगा उसके बाद हम लोग स्पेशल समरी रिविजन शुरू करेंगे। तो जो सभा स्थल होगा उस पर क्या नियमों का पालन हो रहा है नहीं, इस पर किस तरह से नजर रखेंगे? देखिए इस पर तो भारत निर्वाचन आयोग दिशा निर्देश जारी करेगा जिसका अनुपालन हम सब लोग को करना है और पॉलिटिकल पार्टीज को भी करना है, कैंडिडेट्स को भी करना है। अभी क्योंकि समय है, अभी 4.5 महीने 5 महीने का समय है, तो निश्चित रूप से जो भी प्रोटोकॉल्स है सेफ्टी प्रोटोकॉल्स कोविड के लिए उसका अनुपालन सभी लोगों को करना होगा, तो उन लोगों को भी करना होगा और उन लोगों को करना सुनिश्चित करना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, ये सब करें। एक आखिरी सवाल, प्री कोरोना में जो चुनाव हुए चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा हो, अब पोस्ट कोरोना में जो चुनाव होंगे, जो पहला चुनाव देखा जा रहा है, उस चुनाव को लेकर के आप कितना डिफरेंस देख रहे हैं पहले और अब तैयारी से लेकर कराने तक? देखिए चैलेंजेस तो जरूर बड़े हैं, चैलेंजेस बड़े हैं, जैसे हम लोग का बिहार में लगभग 73,000 पोलिंग स्टेशन हैं, 7,18,00,000 वोटर्स हैं, मतलब करीब करीब हमारा 1,000 वोटर्स है एवरेज अगर आप देखा जाएंगे तो एक बूथ पर तो क्या हम सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए सारी प्रिकॉशंस लेते हुए इतना लोगों को एक ही बूथ पर हम लोग जो एवरेज कर सकते हैं, या एडिशनल बूथ क्रिएट करना पड़ेगा, एक्सिलरी बूथ करना पड़ेगा, या बूथ का रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा, ये सारी बहुत बड़ा चैलेंज है। एट द सेम टाइम हम लोग का पोलिंग पर्सनल हो, वोटर्स हो, सिक्योरिटी पर्सनल हो, वो लोग भी सारी प्रिकॉशंस लेना है, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, तो ये सारी चीज़ ऑलरेडी चर्चा में है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।